हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड पार्ट है इसका कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें सबसे पहले कॉट थीटा दिया है 7/8, और सिंपल सी बात है, आपका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, और आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम सिंपल इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, दैट इज 49/64। अब हमें करना है सिर्फ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, साइन कॉस। तो हमें पता है सबसे पहले मुझे कॉट का यूज़ करते हुए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ लेकर आनी है, और फिर इसके अंदर वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो कॉट होता क्या है वही निकालेंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, सोना, चांदी, तोले। टैन 4 परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपको पता है कि कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। दिया क्या हुआ आपके पास, 7 एंड 8। तो आपके पास बेस आ गया 7, परपेंडिकुलर आ गया 8। तो आप इसको यूज़ करते हुए क्या लगाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे और वहाँ से वैल्यूज निकालेंगे साइन की और कॉस की। बनाते हैं, लेट इट बी ए बी सी। थीटा कंसीडर करना है, तो मैं थीटा मान लेती हूँ ये वाला। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और ये वाला आपका बेस। तो आपको पता है परपेंडिकुलर क्या है, 8। हाइपोटेन्यूज नहीं है आपके पास, बेस है, दैट इज 7। और इसको निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पीजीटी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए सी है यानी कि हाइपोटेन्यूज आ गई आपके पास रूट 113। तो अब हम क्या निकालेंगे, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 8, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, रूट 113। सिमिलरली हम निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है रूट 113। अब ये दोनों वैल्यूज हम किसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर। सॉल्व करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, इसको देख के आपको पता चल रहा होगा, एक आइडेंटिटी आपने 9th में पढ़ी हुई है, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैं साइड पे लिख देती हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए जो है वो है आपके पास 1, और जो बी है वो है आपके पास साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेम ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर ए है 1 और बी है कॉस थीटा। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8/√113 का होल स्क्वायर। सिमिलरली कॉस की वैल्यू 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 इज 113, जब रूट स्क्वायर जो होगा रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 113। सिमिलरली 1 माइनस 49 डिवाइड बाय 113, ऊपर का एलसीएम लेंगे, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, 113 से क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल। इसमें इसको माइनस करेंगे ये आएगा आपके पास 49, और इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा आपके पास 64। यही आपका आंसर है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।